तो भाइयों काफी लोगों ने कमेंट करा था कि हम पानी जो है वो बाल्टी से डाल सकते हैं नहीं डाल सकते, तो मैं आज आपको दिखाऊंगा कि बाल्टी से आप पानी डाल सकते हो। तो इसमें हमारी रिक्वायरमेंट क्या रहती है, अगर जैसे आपका इसका टैप का प्रेशर जैसे कम है तो फिर भी आप इसको जो है वो लगा के रखना, मैं बाल्टी से बता दूंगा आपको पानी किस तरीके से डालना, लेकिन आप इसको जो है वो लगा के रखना, क्योंकि अगर इसमें पानी मशीन को चाहिए होगा तो बीच बीच में इससे लेती रहेगी, चाहे भले ही प्रेशर भले ही कम हो, तो शुरू में आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए आप बाल्टी से भी डाल सकते हो। और अगर आपने इसको हटा दिया तो उसका मतलब एक वाटर एरर यहाँ पे जो है वो दिखा सकता है, क्योंकि आपने अगर पानी जैसे 10 लीटर पे हमें अगर 62 लीटर वाटर चाहिए और आपने डाल दिया उसमें 55 लीटर या 58 लीटर, अगर मशीन दोबारा लेगी पाइप से तो वो एरर नहीं दिखाएगा। बट अगर आपने इसको टैप को ऑफ कर दिया यहाँ से और अगर वो पानी मांगेगी तो मशीन जो है वो रुक जाएगी और वो वाटर एरर यहाँ पे दिखा सकती है, मतलब दिखा के सकती है, वो दिखाएगी फिर। तो ये इसका भले ही प्रेशर कम हो इसको आप चलते रहने देना, और बाकी मैं दिखाता हूँ आपको किस तरीके से इसमें पानी जो है वो डालना है आज। तो यहाँ से पहले टैप ऑर्डर कर लेंगे। ये मैंने जो है यहाँ पे मैग्नेट लगा रखी है तो मेरा डोर जो है वो ओपन रहेगा और मैं इसको जो अपडेट करूँगा। आप पानी कब डालना है कपड़े डालने हैं मैं सब आपको बताता हूँ। तो पहले तो आपको मशीन ऑन कर लेनी है। अब इसके बाद इसमें या तो आप अगर आप डिटर्जेंट डाल रहे हो पाउडर वाला तो आप उसको एक मग में डिजोल्व कर लो या नीचे की साइड डाल लो, क्योंकि आप पाइप इस्तेमाल नहीं करोगे तो इसमें तो आप यूज़ करोगे नहीं। तो इसको मैं उसके नीचे डाल लेता हूँ पहले, क्योंकि अगर आप प्रॉपर बकेट से ही डालोगे तो उसमें ये रहेगा। तो पहले मैं जो है वो डिटर्जेंट डाल लेता हूँ, अभी दिखाता हूँ आपको। तो भाई सबसे पहले मैं ना इसके नीचे अंदर जो है वो मैं डिटर्जेंट डाल लेता हूँ, क्योंकि अगर आप टैप इस्तेमाल नहीं करोगे अगर आपके यहाँ प्रेशर कम है तो इसमें जो है वो डिटर्जेंट जो है वो इस ट्रे के अंदर रह जाएगा। तो बाद में आप मग से भी डाल सकते हो इसमें, वो भी कोई इशू नहीं है, पर मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कपड़े की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसमें जो है वो डिटर्जेंट डाल सकते हो, जैसे मैंने इस तरीके से डाल रहा हूँ। तो भाइयों मैं 2 स्कूप डाल देता हूँ कपड़े, पता नहीं कितने हैं अभी, मैं ये देखिए अभी मैंने इसमें डिटर्जेंट डाल दिया है। अब मैं जो है इसके अंदर कपड़े डालूंगा, अभी मैं कपड़े डाल के दिखाता हूँ आपको। तो भाइयों इसके अंदर जो है वो मैं अभी कपड़े डाल रहा हूँ, ये देखिए बनियान वगैरह वैसे डेलिकेट आइटम में आता है बट हम जो है इसमें मिक्स करते हैं, बट आप अगर अलग से वॉश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो अभी मैं कपड़े डालता हूँ सारे। तो भाइयों मैंने ये डाल दिया है, ये भी डालता हूँ, टी शर्ट डाल देता हूँ। अगर आप लिक्विड डिटर्जेंट यूज़ करेंगे तो बाद में डालना, जब मैं इसको स्टार्ट कर दूंगा उसके बाद लिक्विड डिटर्जेंट डालना। और अगर सर्फ डाल रहे हो तो इस तरीके से रहेगा। तो जीन्स डाल देना, जीन्स की जिप वगैरह जो है वो बंद कर देना, यहाँ से इसकी जिप बंद कर देना, मैं हर वीडियो में बताता हूँ ताकि आपके कपड़े जो है वो डैमेज ना हो या फटे ना। तो भाइयों देखिए, और काफ़ी लोगों ने पूछा था कि कपड़े कहाँ तक डालने हैं, मतलब कोई नंबर ऑफ लिमिट होती है, तो मैंने वैसे डेमो वीडियो में बता दिया था नंबर ऑफ क्लोथ्स पे जो है कोई लिमिट नहीं होती है। और यहाँ पे जो है ये इंजीनियर ने हमें बताया था, ये देखिए ये वाला साइन जो दिया हुआ है, यहाँ तक आपको कपड़े डालने हैं, इस लेवल के ऊपर तक आपको कपड़े नहीं डालने हैं। जो ये लेवल दिया हुआ है ना यहाँ पे फिल्टर के यहाँ पे, ये देखिए ये लेवल दिया हुआ है, यहाँ तक कपड़े डालने हैं, इसके ऊपर नहीं डालने। नंबर ऑफ क्लोज पे कोई लिमिट नहीं होती है, बट कपड़े आपके इसके ऊपर से इसके ऊपर तक नहीं जाने चाहिए। तो भाइयों ये मैंने व्हाइट शर्ट डाल दी है, वेस्ट डाल दिए हैं, जितने कपड़े होते हैं अभी हम लेवल फुल कर लेते हैं। तो पैंट डाल दिए एक, और देखता हूँ मैं कपड़े फिर दिखाता हूँ आपको। तो भाई सारे मैंने कपड़े डाल दिए। अब वैसे आपका तो डोर बंद करके चलेगा, यहाँ पे मैंने मैग्नेट लगा दिया तो मेरा वैसे ही चलेगा। तो यहाँ पे मैं प्रोग्राम लगा देता हूँ, नॉर्मल लगाता हूँ अभी मैं, और देख सकते हैं आप नॉर्मल मैंने लगाया है, इसको मैंने हाई पे लगा दिया, रिंग्स मैंने 2 टाइम्स कर दिया। और अगर आप मैनुअली पानी डालोगे तो ना रिंच में आपको फिर बाद में भी पानी डालना पड़ेगा अगर ज़्यादा प्रेशर कम है तो आपका। मैं तो टैप को ऑन कर दूंगा, आपको पहले दिखा देता हूँ। 15 मिनट लगा दिया मैंने वॉशिंग, और इसको रखना आप नॉर्मल पे, क्योंकि हैवी पे चलती है ज़्यादा फास्ट और कपड़े आपके फटने का भी डर रहेगा। जीन्स वगैरह की जिप क्लोज कर देना, और बाकी सारी चीज़ें तो अभी ये डेमो वीडियो तो है नहीं। अब मैं इसे यहाँ पे, अब जो इसका वाटर लेवल है ना वो डिसाइड होगा अपने आप।
अब भाइयों आप बाल्टी का पानी तब डालना जैसे अभी सेंस हो रही है, जब ये वॉशिंग स्टार्ट हो जाएगी ना तब डालना, या फिर अगर आपका पानी अंदर से आने लग जाए तब आप इसको पोज कर देना बाल्टी को, यहाँ से बटन को पोज कर देना, तब बाल्टी से पानी डालना। अगर आपका इनलेट वाटर बिल्कुल भी नहीं है तो आप यहाँ पे देख लेना इस पे इंटरफेस पे, तो यहाँ पे सेंस कर रहा है अभी, ये देखिए अभी यहाँ पे सेंस कर रहा है। जब ये सेंस बंद हो जाएगा और वॉश स्टार्ट हो जाएगी तब आप जो है इसको यहाँ से पोज कर देना, उसके बाद बाल्टी से पानी डालेंगे। और वाटर लेवल जो है मैं मैनुअल से देख के फोटो लगा दूंगा कितने लेवल पे कितना पानी डलता है, तो उस हिसाब से आप डाल सकते हो। तो देखिए अभी इन्होंने फाइव लेवल वाटर सेलेक्ट करा है, बट ये जो है ना मतलब मेरे को लग रहा है ज़्यादा आएगा इसमें पानी। अभी देखिए यहाँ पे ऑन था ना, अब ये पानी आना शुरू हो गया, अब यहाँ पे पोज कर देते हैं। अब मैं बकेट से वाटर डालता हूँ और आपको दिखाता हूँ, तो ये देखिए। और फाइव लेवल पे जो पानी डलेगा इसको मैं अभी बढ़ा भी दूंगा बाद में, पांच लेवल पे जो वाटर डलेगा ना आपका वो डलेगा 42 लीटर, अराउंड दो बाल्टी 20-20 लीटर की डलेंगी। और जो इसका वाटर लेवल होता है वो मैं ऊपर चला दूंगा, इसमें तो 10 लेवल वाटर का भी चला दूंगा और आपका 6 वाटर लेवल वाली का भी चला दूंगा, और 9 किलो से ऊपर वाली वॉशिंग मशीन का भी जो है मैं ऊपर स्क्रीन पे लगा दूंगा। तो अब देखिए मैं बकेट से पानी डालता हूँ, तो भाइयों ये बाल्टी अभी मैं डालता हूँ। तो भाइयों तो पहले अभी मैंने ये एक बाल्टी डाल दी है, इसके बाद मैं दोबारा एक और बाल्टी डालूंगा। भाइयों ये ना मेरे को लेना पूरी पीछे तक ले बना लिया। तो भाइयों इसमें मैंने अभी दो बाल्टी पानी डाल दिया है वॉशिंग मशीन के हिसाब से, और अभी मैं इसे स्टार्ट कर दूंगा, अभी मैं दिखाता हूँ आपको आगे। तो भाइयों बाल्टी से पहले पानी डाल दिया, अब मैं इसे कर देता हूँ स्टार्ट। ये देखिए अब जो चलनी स्टार्ट हो गई है। अब मैं आपको ये पानी की टूटी खोलने के लिए इसलिए कह रहा था, अगर इसको पानी चाहिए होगा तो ये लेता रहेगा चाहे थोड़ा ही प्रेशर हो, वरना इसमें जो है ना वाटर एरर लिखा आ जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा था आप इसको कनेक्ट करके ज़रूर रखना, बाकी चल भी जाएगी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बट वही मेन जो इशू रहेगा ना वो ये रहेगा। तो देखिए अगर इसमें पानी कम लगता है, जैसे पानी मुझे ना थोड़ा सा कम लग रहा है यहाँ पे, तो मैं इसका पोज करके लेवल बढ़ा देता हूँ। वैसे तो मैंने बाल्टी से पानी डालना है, नहीं तो आप बाल्टी से और डाल सकते हो इसमें। देखिए तेज चल गई सर, अब भी जो है वो घुलना शुरू हो जाएगा। देखिए तो इस तरीके से आप बाल्टी से जो है वो पानी डाल सकते हो। और ये मेरा ओन है, अगर इसे पानी जरूरत लगेगी तो ये ले लेगा। अब इसमें जेट स्प्रे कब चलता है वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। जेट स्प्रे जो है 1 से लेके 7 तक चलता है, और नॉर्मल प्री वॉश टर्बोश टर्बो वॉश एक्वारीजर में चलता है। जो TH न्यू सीरीज आ रही है उसमें जो है वॉश में भी चलेगा और रिंस में भी चलेगा, और मेरे वाले में खाली वॉश में चलता है। तो इस तरीके से रहता ही है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये अभी देखना इसका वो भी चल जाएगा, क्या बोलते हैं इसका जेट स्प्रे। तो भाई ये जेट स्प्रे चला है 15 मिनट के बाद, देखिए अब इसमें भी इस तरीके से रहता ही है। कपड़ों के ऊपर तो जा नहीं रहा है, ये जा तो रहा है मतलब, तो इसका प्रेशर जो है वो डिपेंड करेगा। ये देख सकते हैं आप, पूरा मैं दिखा देता हूँ आपको, इसका थोड़ा और सिनेमैटिक दिखाता हूँ एक सेकंड। ये देखिए मतलब ज़्यादा अगर तेज प्रेशर होगा ना बिल्कुल, इसके अंदर मोटर नहीं होती है, ये आपके पानी के ऊपर ही डिपेंड करेगा। तो ये देख सकते हैं आप चला गया, चला है मतलब अभी ये देखिए 15 मिनट बाद चला है। तरीके से रहता है, आप देख लो जेट स्प्रे को भी। क्या ही गंदगी निकालेगा मतलब, ठीक है।
भाई ये देख सकते हैं काफ़ी देर जो है वो चलाई है अभी, ये 2 मिनट से तो ऊपर हो गए इसको, अब देख सकते हैं थोड़ा बहुत पानी जो है वो काफ़ी लोगों ने बोला था, तो यहाँ पे भी मेरे इसमें भी जा रहा है, वैसे तो ये साइडों में भी जा रहा है, तो इसमें आप इंजीनियर को दिखा सकते हैं कि इसका भी प्रेशर किस तरीके से रहता है। ये क्योंकि अभी मैंने साफ करी थी, पानी तो जा रहा है ये, भाई चलते चलते इसको 3 मिनट हो गए, ये देखिए अब बंद हुआ है, तो मैं लाइट जला देता हूँ, मैंने लाइट बंद कर दी थी। तो भाई थैंक यू सो मच वॉचिंग, मैं इसको बंद कर रहा हूँ, ये भी कंप्लीट होने वाला है साइकिल भी अब 2-4-5 मिनट में। तो इस तरीके से रहेगा हाउ टू ऐड वाटर मैनुअली इन वॉशिंग मशीन, तो आप इस तरीके से जो है वो डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।